हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर के साथ प्ले करने के लिए बना लिया था और ये परफेक्टली वर्क कर रहा था। मैंने इसको कई बार टेस्ट किया तो मुझे एक प्रॉब्लम पता चली है कि जब ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ जाते हैं और इनके पास कोई पाथ नहीं होता है मूव करने के लिए, लेकिन आउट प्लेयर इसको दिखते हैं कि 1 से ज़्यादा हैं, 2 हैं, तो क्या होता है कि ये डाइस को इसको पास नहीं करता है, जिस वजह से गेम यहीं पे होल्ड हो जाता है, ना ये दोबारा मूवमेंट होता है क्योंकि प्लेयर भी नहीं चल पाते और ये सेल्फ को या दूसरे को असाइन भी नहीं कर पाता है। तो आइए देखते हैं उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये जो हमने कंडीशंस बनाई है ना कि 0 है, 6 है, तो ओके ये चलेगा, अगर 1 प्लेयर आउट है तो ये चलेगा, ठीक है। बाकी ये तो हमें रोबोट के लिए ही चलेगा। अब हो क्या रहा है कि 0 और 6 पे तो ठीक है, अभी 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। तो अब क्या है कि जब तक प्लेयर, आप नोटिस करेंगे कि जब तक प्लेयर 0 और 1 नहीं है तो कंपलसरी है कि प्लेयर होगा बाहर और वो मूव करेगा, क्लिक होगा तभी ट्रांसफर होगा, और क्लिक होने पे क्योंकि उसके पास आगे पाथ नहीं है तो वो डाइस को ट्रांसफर नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये फेल हुआ तो क्लिक भी फेल हुआ, उसके बाद ये तो बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि ये ओनली फॉर रोबोट के लिए है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन बनाते हैं एल्स, और एक हमने यहाँ पे चीज़ बना रखी है कि आउट प्लेयर्स है ना, अगर आउट प्लेयर में कोई ऐसा प्लेयर है जो मूव कर सकता है तभी ये रिटर्न करता है 1, अदरवाइज ये हमेशा -1 रिटर्न करेगा। तो दैट मीन्स अगर हम जब भी रन कराएं और ऐसी कोई कंडीशंस फॉलो नहीं हुई तो ये चलेगा, और इस कंडीशन में हम अगर इफ चेकआउट प्लेयर्स लेस देन 0, कोई भी प्लेयर मूव कर ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में, तो हम क्या कर दें, ये काम कर दें कि या तो ट्रांसफर करो भाई या तो सेल्फ को चांस दो रोटेट करने का, बस इससे हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और वो डाइस को ट्रांसफर कर देगा अगले बंदे को या 6 आया होगा तो खुद को। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बग थी और इससे रिजॉल्व हो जाएगी, इसको टेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा तो आप इसे टेस्ट करिएगा। मैं भी करूँगा अभी, बट यहाँ पे अगर मैं टेस्ट करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी की सारी चीज़ें परफेक्टली रन कर रही हैं। अब हम इसके साउंड या आवाज़ पे काम करते हैं कि डाइस रोल हो तो एक साउंड इफेक्ट आए और ये मूव करें तो साउंड इफेक्ट आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्रिएट फोल्डर, इसका नाम देते हैं ऑडियो। ऑडियो इसमें हम कुछ सॉन्ग्स रखेंगे, वो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और इस साउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक मैंने डाइस के लिए, एक मूव के लिए ले रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साउंड कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको अगर यही साउंड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि इस साउंड को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे, ठीक है।
और गेम मैनेजर पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट यूज करते हैं ऑडियो, ऑडियो सोर्स। यस, ऑडियो सोर्स। और यहाँ पे ऑडियो क्लिप मैं डालना चाहता हूँ, मूवमेंट का एक क्लिप यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो मूव वाला हमें ऑडियो सोर्स गेम मैनेजर पे मिल जाएगा और उससे हम मूवमेंट करा पाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे गेम मैनेजर पे आते हैं और यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक ऑडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स इसका नाम देते हैं ADS। और अब एक फंक्शन जो हमारा है यहाँ पे ADS में गेट कंपोनेंट डायरेक्ट कंपोनेंट है क्या ऑडियो सोर्स। तो ऑडियो सोर्स को यहाँ पे गेट कर लेते हैं, देन जहाँ भी हमें प्ले करना होगा हम डायरेक्ट गेम मैनेजर डॉट जी एम डॉट ए डी एस डॉट प्ले यूज करेंगे। अब ये हमें पहले तो रोलिंग डाइस पे भी डिस्प्ले कराना है या प्लेयर पीस पे, दोनों जगह हैं। तो जो हमारा ये मेक प्लेयर रेडी में नहीं लगेगा, यहाँ पे मूव अ स्टेप, जब ये हमारा प्लेयर मूव कर रहा है उस टाइम पे हम चाहते हैं कि ये साउंड के साथ मूव करे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि गेम मैनेजर डॉट जी एम डॉट डॉट एड्स डॉट प्ले, ठीक है। और इसी चीज को हम यहाँ प्लेयर पीस पे भी कर देते हैं। ओके, करेंट पाथ फाइंड, ठीक है, ये सब सही है। आइए इसको रन करके देखते हैं कि अभी हमारे जो प्लेयर्स थे मूवमेंट पे क्या हमें साउंड मिलता है। प्ले, ओके, वेट करते हैं सिक्स आने का। एक मिनट इसको फिर से हम रन कराते हैं। आई थिंक कुछ एरर आ रही है क्या, वेट अ सेकंड, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम हमें यहाँ से आ रही है। ये जो हमने अवेक का मतलब ये होता है ना कि ये हमेशा प्ले होगा, जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्योंकि ये प्ले हो रहा है उसके बावजूद हम बार बार प्ले करा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इसे अनचेक कर दिया और ये डेफिनेटली अब वर्क करेगा, हमारे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेट करते हैं सिक्स आने का ताकि यस
ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। हमें सिस्टम पे आवाज़ तो नहीं सुनाई देगी क्योंकि हमारा माइक भी इसी सिस्टम से लगा हुआ है, तो इस समय साउंड ऑफ होने की वजह से हमें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। जब हम फ़ोन पे होंगे तो ये ज़रूर यहाँ पे साउंड आएगा, वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा और आप भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, प्लेयर पीस पे तो साउंड लगा दिया, लेकिन हमें रोलिंग डाइस पे भी साउंड लगाना है। तो डाइस पे साउंड लगाने के लिए आइए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसका नाम देते हैं ऑडियो। जितने भी ऑडियोज होंगे वो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और रखते हैं, इसका नाम देते हैं डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाते हैं सेम डाइस नाम से। उसके पहले यहाँ डाइस पे आते हैं और इस पे एक ऑडियो सोर्स लेते हैं, अवेक को हटा देते हैं और यहाँ पे जो हमारा ऑडियो फाइल है डाइस वाला, इसको ड्रॉप करते हैं, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। देन हम स्क्रिप्ट पे आते हैं, हमें एक स्क्रिप्ट बनानी है, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका भी नाम देते हैं डाइस। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डाइस नाम का स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया है। अभी हमें इस स्क्रिप्ट को इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, ये हमारी स्क्रिप्ट भी इस पर अप्लाई हो गई। देन अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, हमें अपडेट की तो ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पब्लिक या नॉर्मल ऑडियो सोर्स लीजिए, इसको हमें पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियो सोर्स ADS, ओके। अब जब ये स्टार्ट हो देन इस पे ADS इक्वल टू गेट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, ऑडियो सोर्स लोड हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जो कि पब्लिक रखेंगे, पब्लिक वाइड और प्ले साउंड, प्ले साउंड, ये इस टाइप का एक मेथड बनाते हैं। देन यहाँ पे जो ADS है, इस ADS डॉट प्ले, यूँ इस तरह से ADS डॉट प्ले को यूज कर लेते हैं। अभी हमारा डाइस का साउंड तैयार है, अभी हमको इसको रोलिंग डाइस पे अप्लाई करना है। तो रोलिंग डाइस यहाँ पे है, यहाँ पे आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं डाइस, है ना, डाइस, इसको देते हैं डाइस साउंड, डाइस साउंड, बस यहाँ से ये डाइस साउंड आ जाएगा और डाइस डॉट प्ले। जब ये यहाँ पे कैन डाइस रोल होता है तो यहाँ पे हम डाइस डॉट प्ले साउंड के फंक्शन को कॉल कर लेंगे और ये भी हमारा प्ले करेगा। आइए देखते हैं, अभी कोई एरर तो नहीं आती है। ये हमने कंप्यूटर लिया, डाइस रोल करते ही नल एक्सेप्शन एरर, नल एक्सेप्शन क्यों, किस जगह पे है ये डाइस साउंड, ओके,
ये बोल रहे हैं कि डाई साउंड जो आपने बनाया ये नल है। ओके, डाई साउंड को कॉल करने के लिए वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम एक्चुअली में कहीं नहीं है। हम लोगों ने जो ये डाइस स्क्रिप्ट लिया ना, और यहाँ पे रोलिंग डाइस पे आके इस डाइस साउंड में एम्प्टी, आप ध्यान देना तो क्या एरर आ रही है जब हम रन करते हैं, तो नल एक्सेप्शन एरर आ रहा है। दैट मीन्स कोई डाई साउंड यहाँ पे हम पास ही नहीं कर रहे हैं। इसको पब्लिक बनाते हैं और ये हो जाएगा डाई साउंड, यहाँ से प्ले होना है। लेकिन जो हमारा गेम पैनल था, इसमें लूडो होम थे, इसमें रोलिंग डाइस था, यहाँ पे देखिए ये नन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डाइस को पास कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी पास कर देते हैं, और ग्रीन वाले डाइस पे भी पास कर देते हैं, और येलो डाइस पे भी हम अपने साउंड को यानी डाइस ऑडियो को पास कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि हम इसको रन करेंगे तो ये नल एक्सेप्शन एरर हट जाएगी, है ना। और अब हम इसको प्ले कर पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली जैसा हम चाह रहे थे, और इसका साउंड भी प्रॉपरली आ रहा होगा। हाँ, अभी इसको मोबाइल में चेक करेंगे, आज एपीके जनरेट करेंगे, और फाइनली इसकी टेस्टिंग हम अपने मोबाइल फ़ोन में करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी परफेक्टली काम कर रहा है, और चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके यूनिटी को मोबाइल ऐप में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, या इसका एपीके कैसे जनरेट करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल रहा है। ओके, बट इसके पहले मैं एक और चीज़ थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था, अगर हम उसे भी बना सकें तो। एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि 2x6 आते हैं, 3x भी आ सकता है, 4x भी आ सकता है, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी के पास 4x6 आया, 5x6 आया, तो क्या है कि सामने वाला कंफ्यूज होगा, क्योंकि आज तक जो हम लोग प्लेइंग करते हैं कि 3x6 आने के बाद हम लोग बोलते हैं कि आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा आगे इस पे प्ले करने के लिए, और वो डाइस पास हो जाती है सेकंड पर्सन को। बट यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें 6 आने पे अपने प्लेयर्स को मूव कराना ही पड़ता है। तो इसका सलूशन ये है कि हम अपने गेम में 2 बार से ज़्यादा 6 आने ही ना दें। कि 2 बार से ज़्यादा 6 कभी आ ही नहीं सकता है, हम ऐसा कुछ बना दें। अगर 2 बार से ज़्यादा 6 आया है, 2 बार 6 आ गया, तो अगली बार कोई ना कोई कम नंबर ही जनरेट होगा, हम कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। हम गेम मैनेजर में आते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक टोटल सिक्स इक्वल टू 0 बनाते हैं। दैट मीन्स पब्लिक इंट, और टोटल 6 जो है हमारा वो 0 रहेगा बाय डिफॉल्ट। हमें क्या करना है, इस 6 को इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे जब डाइस रोल होगा।
डाइस हमारा रोल हो रहा है और नंबर गॉट, आप देख रहे हैं ये नंबर गॉट है। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ जीएम मैनेजर डॉट जीएम डॉट टोटल सिक्स, ओके ये हमें प्लस करना होगा, नंबर गॉट इक्वल टू अगर सिक्स है तो आप क्या करो कि इसमें प्लस वन कर दो, प्लस इक्वल टू वन कर दो, अदरवाइज एल्स अगर कोई और नंबर आ रहा है तो टोटल सिक्स हमारा जीरो रख दो, है ना। ये क्या कर रहा है कि जब भी यहाँ नंबर गॉट सिक्स आया, एक बार सिक्स आया तो वो क्या किया, इसमें वन कर दिया, दोबारा सिक्स आया तो फिर से वन कर दिया, अगर अगली बार कोई और नंबर आया तो फिर से उसने गेम मैनेजर टोटल सिक्स को जीरो कर दिया, और अगर बाय डिफॉल्ट सिक्स नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, हर बार टोटल सिक्स जीरो सेट हो जाएगा। एक बार सिक्स आया उसके बाद कोई और नंबर आएगा तो भी टोटल सिक्स जीरो सेट हो जाएगा, तो जब हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो वो फिर जीरो से काउंट करेगा, और नंबर गॉड जैसे ही एक बार सिक्स आया, दो बार अगर कंटिन्यू आ रहा है तभी ये नंबर बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पहले ये जो नंबर है इसको हम डायनेमिक बनाते हैं। यहाँ पे लेते हैं इंट मैक्स नंबर, मैक्स नंबर जो होगा वो हमारा सिक्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी डाइस क्या होगी, यहाँ पे मैक्स नंबर पे सेट है सिक्स। हम क्या चेक करते हैं कि इफ ये जो हमारा गेम मैनेजर टोटल सिक्स है, अगर किसी रीजन से इसमें टू सेट हो चुका है तो जो ये मेरा मैक्स नंबर है इसको हम क्या कर देंगे, फाइव। अगर टोटल सिक्स इक्वल टू टू हो गया, यानी कि ये दो बार आ चुका है और तीसरी बार जब वो रन किया हमने चेक किया कि इसमें टोटल सिक्स इक्वल टू टू है तो हमने इसका नंबर फाइव कर दिया। अब जैसे ही ये फाइव होगा तो ये मैक्सिमम जीरो से फाइव आ सकता है, यानी जीरो से फोर इंडेक्स आएगा और नंबर आएंगे वन टू फाइव। फाइव होने की वजह से ये फिर से टोटल सिक्स आपका सेट हो जाएगा जीरो पे। तो ये एक छोटा सा करेक्शन था, करेक्शन कुछ नहीं, बस एक गलत इमेज ना बने, क्योंकि जो लोग नॉर्मली गेम खेलते हैं वो टू टाइम सिक्स के बाद नहीं खेलते हैं, तो अजीब सी सिचुएशन होती कि हम तीन बार छः आने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। सिक्स सिक्स ओके। अब ये सिक्स किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, है ना। तो ये हम लोगों का कोड परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अब हम लोग एपीके बनाने को देखते हैं कि एपीके कैसे बना सकते हैं और अपने मोबाइल में ट्राई करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ और, हम इसका वॉल्यूम जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लगेगा फ़ोन पे, तो हम इसके वॉल्यूम को कम कर देते हैं। गेम मैनेजर पे भी जो हमने ऑडियो डाला है उसका भी वॉल्यूम कम रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा आवाज़ ना सुनाई दे, एक नॉर्मल सी आवाज़ आए।
बस इतना है, और इसके बाद हम लोग आते हैं एपीके पे, बिल्ड सेटिंग, ये आप जानते हैं एंड्रॉयड सेट किए थे शुरू में, और ये गेम आई थिंक ठीक है, फाइल बिल्ड सेटिंग। अब आपको क्या करना है, बिल्ड बिल्ड पे क्लिक करना है, तो ये डायरेक्टली बिल्ड होगा। उसके पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे ऐड ओपन स्किन्स, यहाँ पे अपनी स्किन जो है वो ऐड करिए, है ना। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आइए, पैकेज एनिमेशन सीन्स, ये जो सीन्स है ना, यहाँ पे कह रहा है ऐड ओपन सीन्स। अपने पास ये एक सैंपल सीन्स है, इसको यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, तभी आपका ऐप मोबाइल में रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देन इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे कंपनी का नाम देंगे, प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, वर्जन सेट होगा, और अगर आप इसका कुछ आइकन रखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप डालेंगे। तो इस केस में हम कोई आइकन ले लेते हैं, नेम रखते हैं लूडो, एरो मस्त। प्रोडक्ट का नाम ठीक है, आइकन आइकन आई थिंक देखते हैं क्या हो सकता है, कोई आइकन हमारे पास अभी होगा नहीं, इसी में से कुछ लेते हैं। ये जो हमने बोर्ड ले रखा था इसी को लगा देते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेटिंग पे, आइकन्स। एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा है। यस नेम एंड्रॉइड रेजोल्यूशन आइकन एडॉप्ट एपीआई फ्रॉम लेजेसी, छोड़िए रेजोल्यूशन पे आते हैं, देखते हैं अगर कुछ हमें करना है तो। स्टार्ट इन फुल स्क्रीन, ये आप हटा सकते हैं, वैसे ये गेम के लिए सही है, ये फुल स्क्रीन पे आएगा मोबाइल के। पोर्ट्रेट में हमें चाहिए तो लैंडस्केप को हमें हटा देना है, क्योंकि हमने जो गेम बनाया वो पोर्ट्रेट के लिए बनाया है। स्प्लैश इमेज, यहाँ पे देखिए क्या है कि यूनिटी, आप अगर ट्रायल वर्जन में है तो आप इनके एक्सप्रेस इमेज को हटा नहीं सकते हैं, तो आप एक छोटा सा यहाँ पे इमेज अपना भी डाल सकते हैं। तो मैं इस बोट को फिर से इस पे डाल दे रहा हूँ, लॉग्स, कुछ बैकग्राउंड वगैरह अगर आपको देखने हैं तो प्रीव्यू में वहाँ पे दिख रहा होगा, ये कहीं पे है, यस नहीं है, आई थिंक है ना, आपको प्रीव्यू इसका जो है इस तरह से मिलेगा। जो हमारे स्प्लैश बैकग्राउंड, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्प्लैश आ रहा है ना, तो वो हमारे इमेज के साथ है, जो भी यूनिटी का स्प्लेस आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे यूनिटी तो रहेगा ही, आप उसको नहीं हटा सकते हैं ट्रायल वर्जन में, बट बैकग्राउंड इमेज, ओके बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हो सकता है आ जाए। क्या स्प्राइट ही लेगा, उसको ट्राई करते हैं, कौन गया प्रीव्यू, ओके ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो बैकग्राउंड इमेज को नन कर देते हैं।
बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाएंगे, स्टैटिक इमेज लगाते हैं। अभी आपको मिलेगा देखने को मैं क्या करना चाह रहा हूँ। प्रीव्यू ये भी नहीं है। ओके ये लगा दें, इसको छोड़ दो। यहाँ पे आते हैं, आगे प्रीव्यू कुछ नहीं हो रहा है। फ्लैश इमेज इमेज दिस करेंट ओनली सेंटर ओनली लेफ्ट सेंटर ओनली स्केल डाउन सेंटर टू फिट शेयर सेटिंग ब्लर बैकग्राउंड इमेज। हाँ, इमेज में डालना चाह रहा हूँ जहाँ वो आ नहीं रहा है। एनिमेशन ठीक है, डार्क लाइट भी सही है, बैकग्राउंड में स्टैटिक इमेज तो आनी चाहिए थी आई थिंक। क्यों नहीं आ रही? चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बताएंगे कभी। अदर सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ दीजिए। अदर सेटिंग को क्लोज करते हैं। पब्लिशिंग सेटिंग इम्पोर्टेंट है, अगर आप जब इसको प्ले स्टोर पे डालेंगे तो की स्टोर की मैनेजर वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे। अभी हमें मोबाइल में टेस्ट करना है तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली अभी हम एपीके जनरेट करने के लिए रेडी हैं। और लोडो ट्यूटोरियल ओके ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से बिल्ड करते हैं। ये लोकेशन पूछ रहा है कि किस जगह पे आप एपीके रखना चाहते हैं, तो हमने डेस्कटॉप पे एपीके का नाम लूडो ट्यूटोरियल सेव। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक एपीके जनरेट कर देगा। वेट करते हैं, और मैं आपको मोबाइल में इंस्टॉल करके तो नहीं दिखा पाऊंगा एक्चुअली, मैं इतनी स्क्रीन कॉस्ट नहीं कर सकता एट दिस टाइम। इस एपीके को आप लोग बनाइएगा और अपने मोबाइल में ट्राई करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में, इसको इंस्टॉलेशन वगैरह करने के बाद देखते हैं सब कुछ सही रहता है तो। फ्रेंड्स, मैंने एपीके को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया तो मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली। अभी ये बिल्कुल सही दिख रहा है, बट थोड़ी सी रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है। शायद आप लोगों के फ़ोन में सही हो, बट अगर मैं इस गेम पैनल को एक्टिव करता हूँ, पहले तो कैनवास को हम डीएक्टिवेट करते हैं और गेम पैनल को एक्टिवेट करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी रिजोल्यूशन थोड़ी सी गड़बड़ है। तो और अगर हम अपने सीन पे देखें तो भी ये हमें कुछ इस तरह से दिखता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको सही करने के लिए बस हमें कैमरे पे आना है और यहाँ पे एक साइज है कैमरे का, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। आप देखिए, बड़ा करेंगे जब तो ये सेट हो जाएगा इस तरह से, आपको जैसा चाहिए। आई थिंक ये सही रहेगा, गेम पे देखते हैं। यस ठीक है। अब मुझे ये बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं चाहता हूँ ये जो लाइट है थोड़ी सी ऊपर ही रहे फोन के पास में। तो गेम पैनल के अंदर मेरे पास बैकग्राउंड था जिसकी हमने वाई एक्सिस पे साइज को डिस्टर्ब किया था,
ओके, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हाइट को, ताकि ये और ऊपर चला जाए। ओके, यस, इट्स आई थिंक सही रहेगा, बट ये हमारे फोन पे इस तरह आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको गेम पैनल को बंद करते हैं, देन इसको ओपन करते हैं, और देन फिर से हम इसको टेस्ट करते हैं। बिल्ड सेटिंग, बिल्ड, ये हम डिलीट कर देते हैं। फिर से एक एपीके, नो नो नो, ये एपीके हटाओ, ये सेव। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से इसकी टेस्टिंग करने के बाद आपसे मिलता हूँ। वेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने मोबाइल में चेक कर लिया है, और यहाँ पे मुझे एक मुझसे एक मिस्टेक हुई थी। ये जो हम लोगों का यूआई है, इसके मेन पैनल में ये जो हमने बटन से रखी थी, उस टाइम पे मैंने यहाँ पे स्केल्स इसको बढ़ा दिया था, जिस वजह से इमेजेस काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो हम स्केल को नहीं बल्कि विड्थ को बड़ा करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे स्केल आप में ज़्यादा होगा, इसको 1:1 ही रखिए और विड्थ हाइट को सेट करिए। तो ये हमारी इमेज के लिए है, इस टाइप से आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह बटन में भी, यहाँ भी हमने स्केल बड़ा करके रखा था, इस बटन का भी हमने स्केल बड़ा किया था, अब हमने विड्थ हाइट कर दिया है, और सेम इस बटन में भी वही था, और इस बटन में भी हमने स्केल बड़ा किया था, जबकि अब हमने विड्थ हाइट सेट किया है। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉपरली अपना ऐप रन कर रहा है विथ साउंड, कंप्यूटर प्लेयर, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम अब इस ट्यूटोरियल को, इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। एक वीडियो और हो सकता है आगे में भी आए, अगर कोई इस पे बग आती है, कोई कमी आती है, तो मैं एक और वीडियो दूंगा। अदरवाइज ये ट्यूटोरियल आज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने नॉलेज गेन कर सकें, क्योंकि अपने इंडिया में गेम डेवलपमेंट में अभी काफ़ी कम लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ लोगों को प्रमोट करूँ, उन्हें अपने इंडिया में भी लोग आगे आए गेम डेवलपमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच इस ट्यूटोरियल को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। फ्रेंड्स, एक और बात, यहाँ पे बिल्ड करते टाइम पे बिल्ड सेटिंग में एक जो हमने इमेज डाली थी ना, यहाँ पे आई थिंक स्प्लैश स्क्रीन पे, स्टैटिक स्प्लैश स्क्रीन, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसको हम नन कर देते हैं, है ना। और वर्चुअल स्प्लैश स्क्रीन रहने देते हैं, ठीक है। आई थिंक अब सारी चीज़ें सही हैं, आप अब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल आ रहे हैं कार रेसिंग का, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, आपको आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक। फ्रेंड्स, एक और करेक्शन आप लोग कर लें, यहाँ पे ये जो 0.8 सेकेंड है, इसको 0.5 कर देंगे, तो आपका डाइस बिल्कुल परफेक्टली रोल करेगा, और जो हमने साउंड डाला है उसके साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।